وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. ये हो गया जी लियोस के सितारे. अगला आ गया वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला, जिनके जो है जैसे नाम जो है पहले मैं आ जाऊँ. अगर आपके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है वर्गोस, और आपका नाम उर्दू में पे से इंग्लिश में पी, पाकिस्तान वाला पी से शुरू होता है, आप बिल्कुल इस सितारे से रहनुमाई ले सकते हैं. वर्गोस डेट्स नोट कर लीजिए, 4 अगस्त से हम इसे शुरू करेंगे और 13 अगस्त पे मैं आज का हॉरोस्कोप क्लोज हम करूँगी. मैं तो सबसे पहले आते हैं 4th और 5th. वैसे तो सितारे बड़े पॉजिटिव हैं, इस वक्त मेरे वर्गो ज़रा पॉजिटिव ब्रेन के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं. हालांकि एक सितारा उनका उनका टेस्ट ले रहा है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि ब्रेन पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, वो पैनिक में नहीं है. चीज़ें जेन्युइनली अगर हर्डल्स आ रही हैं काम होने में, रिश्तों को चलाने में, चाहे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, आपकी कारोबारी रिलेशनशिप्स हैं, आपके सोशल रिलेशंस हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आपने बेयर करना है. क्योंकि दिमाग मेरे लियोस का जो है वो पॉजिटिवली, शुक्र है अल्लाह का, कि काम कर रहा है. रोशनी वर्गोस में नज़र आ रही है मुझे. और जो है यहाँ पे वैसे तो माशाल्लाह सितारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा अगस्त के महीने में ना सितारों ने 6 अगस्त से ये कहानी शुरू होनी है वर्गोस, इसकी मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को डालूँगी. और इसने कभी दाएं जाना है कभी बाएं जाना है, क्योंकि मैंने आप लोगों से एक बात कही हुई है, मुझे मत ब्लेम किया करें या मुझे जो है मनहूस मत समझिएगा, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ उनकी तशरीह करना, ठीक है. और मैं खुद आप सबसे ज़्यादा मेरी पिटाई होती है, और लेकिन क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, तो अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद फरमाए. फिर 9th और 10th, क्योंकि जो है इस वक्त फाइनेंशियली भी ये है कि अगर पैसा आएगा तो वो रुक नहीं रहा होगा, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा कोशिश करें कि अपना एक बैकलॉग रखें, ताकि जो है पैसा रुकने का नाम ले, या थोड़ा किसी तरह अपने नफ्स का जिहाद करके पैसे को सेव करने की भी कोशिश करें, ताकि उसमें आपके लिए कोई मसाइल ना आए. तो पैसे की सेव करने में भी आपको जो है वो थोड़ा जिहाद करना पड़ेगा. रिलेशनशिप एरिया में जो है बहुत दिमाग से वर्गोज रिलेशनों को चलाना है, बिजनेस रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, उसके अलावा जो है अज़दवाजी ज़िंदगी, वो आपके पास मार्जिन नहीं है, आपने बहुत मोहतात चलाना है. क्योंकि यहाँ पे इस वक्त में हम आपको जज्बाती नहीं होना, कोई अगर गलत फहमियाँ ज़्यादा लंबी बहसों में ना जाइए, रिश्ते अगर तो आपको लगे कि थोड़े ठंडे भी हो रहे हैं तो उसमें मार्जिन दीजिए. और अगर कहीं कम्युनिकेशन आपको लग रहा है कि ख़राब हो रही है, तो कोशिश करें कम बात करें, ज़रूरत की बात करें. ये आपका टेस्ट इस वक्त चल सकता है रिलेशनशिप एरिया में. और फाइनेंशियल ए हाउस के अंदर बचाने के लिए आपको नफ्स का जिहाद करना पड़ेगा. इनके लिए खुशखबरी है जो हमारे वर्गोस ज़ाती कारोबार के अंदर हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि इस वक्त मामलात अब स्पीड अप होना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि 20th जो है जुलाई के बाद से सितारे ने आपके मामलात को स्पीड अप करना शुरू कर दिया था. और जो है अगर वो वर्गोस जो फेम के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे पॉलिटिक्स में हैं, मीडिया में हैं, या एक्टिंग की फील्ड में हैं, तो ये वो आपका एक साल शुरू हो गया वर्गोस, कि इस वक्त अगर आपने कोई धमाका करना है तो आपने बस डट के अपना काम करना है. अल्लाह पाक आपसे खुद बखुद इस तरह के काम लिए जा सकते हैं कि जहाँ पे आपके लिए शोहरत के दरवाज़े अल्लाह की ज़ात खोल सकती है. तो अल्लाह यहाँ पे आपके लिए बहुत आसानियाँ करे. मेंटली शुक्र है मेरे वर्गोस पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है कि जो बाकी जंग लड़ना है वो आपके लिए. Because
हमारे वर्को दोस्तों के लिए यह हफ्ता जाहिर है इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका अपना रूलर आपके अपने घर में रेट्रोग्रेड हो गया है। सो आप वैसे ही आपके लिए पिछला हफ्ता जो था उसमें ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ज्यादा सोचें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, सोचों ने आपका या आपको पकड़ के रखा हुआ था। तो इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आप उन सोचों को आपको बैलेंस करना होगा। एक बात इस तरह से कीजिए कि आप ऑब्जेक्टिव, जिसे हम कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कीजिए, थर्ड पर्सन बन के या मारूजी तज्जिया जिसको कहते हैं वो करने की कोशिश करें कि आपकी गलतियां, अपनी गलतियों पर कहीं फोकस कीजिए, क्योंकि शायद कुछ ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों की गलतियों पर फोकस करें। आपने अपने रोल, अपनी जिम्मेदारी पर भी थोड़ा सा फोकस करना है। और आपकी जिंदगी में कहते हैं ना बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है, आपकी जिंदगी इस वक्त बहुत एक आप समझ लीजिए कि बहुत हलचल के उसमें है। एक हफ्ता ये वाला बहुत हलचल है और आपने ये जो भी कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है या जो भी कुछ हलचल आपकी जिंदगी में हो रही है उसको आप खुद ज्यादा जानते हैं, आपके अलावा बाकी लोग इस तरह से उसको नहीं जानते। तो आप इन्हें हैंडल करने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से मिलाने का फिलहाल वक्त नहीं है। जो कुछ आपके अंदर जा रहा है इसको होने दें। और उसके बाद एक होता है ना टाइम टू टेक स्टॉक, स्टॉक टेकिंग जिसको हम कहते हैं कि क्या खोया, क्या पाया, क्या किया, क्या करना चाहिए था, क्या किया, इस पर ज्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि आपसे यूनिवर्स इस तरह से अटैच्ड है कि आपको एनालिसिस करना, आपको जात का एनालिसिस भी करना है, आपको हालात का, माहौल का, और हालात और माहौल में अपनी जिम्मेदारी का भी तज्जिया करना। सो इस अगर नहीं करेंगे तो आप उलझते जाएंगे, गिरदाब में फिसले चले जाएंगे। अगर आप निकलना चाहते हैं इस गिरदाब से, सोचों के गिरदाब से, हालात के गिरदाब से, तो उसके लिए जरूरी है कि आप सोचें और तज्जिया करें, एनालाइज करें, और जहां आपको लगे कि ये रूट कॉज है तो उस रूट कॉज को आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी इस हफ्ते कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई चीज इंतजार कर सकती है तो उसको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से गुरेज करें, एंग्जाइटी से गुरेज करें, फौरन ज्यादा काम निपटाने से गुरेज करें। और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आप उन्हें नजरअंदाज करें, इस पर भी फोकस कीजिएगा। और उसके बाद आपके आपको लोगों का रवैया अगर अजीबोगरीब लगे, जैसे एंग्री एंग्री या एग्री से एंग्विश आपको अपने इर्द-गिर्द महसूस हो, तो उस सूरत हाल में आप कोशिश कीजिएगा कि आप देखें कि ये इग्नोर तो नहीं महसूस कर रहे, निग्लेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि ऐसा है। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस हफ्ते की है कि जितने भी अहम लोग होते हैं, बॉस हो गए, फैमिली रिलेशनशिप्स में लोग, जो भी आपके लिए लोग मैटर करते हैं, वहां पर कम्युनिकेशन का फ्लो हो सकता है और कम्युनिकेशन के हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। सो कम्युनिकेशन इश्यूज हैं बेसिकली, उस पर आपने फोकस करना है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है दैट इज अबाउट लव, लॉट ऑफ लव, न्यू लव, और इट्स ऑल अबाउट लव, लव इज योर पॉजिटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी इज के आप पर बहुत सारे लोगों की नजरें हैं और लोग आपकी गलती तलाश कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कहाँ आप गलती करें और आपको पकड़ा जाए। तो इस पर आपने ध्यान रखना है। आपकी जो लव वाइव है ऑब्वियसली वो भी लव ही है, बिकॉज आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग लव वाइव है इस हवाले से। तो इस हफ्ते यू मे फॉल इन लव या यू मे यू नो आपका जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो सके, बिकॉज लव इज ऑल अराउंड यू। आपके एजुकेशन और फाइनेंसिस के हवाले से आप को अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, और चीजों को देखने की भी जरूरत है, और मामलात को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 56। 56 नंबर जो है ये उस वक्त ओवरऑल एक अच्छा नंबर है, लेकिन ये नंबर भी रिलेशनशिप के हवाले से आता है। 5 और 6 कहते हैं कि अपने रिश्तों को समझने की कोशिश कीजिए। मुसलसल ये बात आपके एस्ट्रोलॉजी में भी है, आपके कार्ड्स में भी है, और आपके नंबर में भी है कि आप रिलेशनशिप में जो तब्दीलियां हैं उनको समझने की कोशिश करें कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो जैसे हैं वैसे क्यों हो गए हैं। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स और एक रोज क्वार्ट्स आपके पास होना चाहिए, और एमरल्ड, एमरल्ड या ओनेक्स अपने जमा कर लीजिए। मर्करी रेट्रोग्रेड है, आपका अपना रूलर है, एक हफ्ते तक उसने आपके घर में रेट्रोग्रेड रहना, और इसमें
बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं. सो कैरी एन एमरल्ड या ओनेट्स और उसके साथ ये रोज क्वार्ट्स. आपका जो इस हफ्ते का लकी शॉर्म बन रहा है वो बन रहा है जिसे फ्लाइंग बर्ड, उड़ता हुआ परिंदा, और अगर उड़ते हुए परिंदे का इमेज व्हाइट कलर में हो तो दैट विल बी मच बेटर. आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है सिला रहमी दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है मुश्किलात के हल के लिए. सो अपने किसी रिश्तेदार को बिला वजह बिला जरूरत सलाम करने के लिए फोन कीजिए अपने रिश्तेदारों को, उनको जिन्हें बहुत अच्छे से आपने पूछा नहीं या जिनसे आपने